जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है 4 साल में, इसने 9 बार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है और उसी का नतीजा है कि आज हमारे देश में पेट्रोल और डीजल करीब करीब 80 रुपये लीटर बिक रही है, जो जनता के लिए भी असहनीय है और जो हर चीज़ की महंगाई को बढ़ा रहा है और किसान को भी परेशान कर रहा है। हमारा ये कहना है कि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल, कच्चा पेट्रोल का, कच्चा तेल का दाम बिल्कुल कम था, उस समय भी यहाँ बहुत महंगा था और लगातार वो बढ़ रहा है। अब थोड़ी सी उछाल भी आई है, कभी गिरावट भी आती है, उसका गिरावट का फ़ायदा कभी जनता को मिलता नहीं है। और इसमें जो प्राइवेट कंपनी है अंबानी और एसआर जैसी, वो भी कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं और वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को उसी भाव बेचते हैं जो सरकार बेचती है, तो जो बीच का फर्क है वो तो उनके सीधे सीधे जेबों में जाता है, तो उनके लिए तो ज़बरदस्त मुनाफे हैं और सरकार जो पैसा कमा रही है इससे, उसका कोई हिसाब हमको नहीं बता रही है कि वो कैसे इसको खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो तो लगातार जनता को मिलने वाली तमाम सुविधाएं और राहत को ख़त्म कर रही है। तो हमारी मांग है कि ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये ख़त्म होनी चाहिए और पेट्रोल और डीजल का दाम कम होना चाहिए, जनता के लिए बोझ कम होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास का नारा है। अब वो क्या कहते हैं, मैं उनके बारे में क्यों सफाई दूँ, वो तो आप उन्हीं से पूछिए कि वो किसके साथ हैं और किसका विकास कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि अंबानी और अडानी के साथ हैं और उन्हीं लोगों का विकास हो रहा है, और बाकी उनका हुआ है जिन्होंने बैंकों से पैसा निकाल करके विदेश भागने का काम किया है, तो इन्हीं लोगों का विकास हो रहा है और इन्हीं का साथ शायद सरकार दे रही है, बाकी आम जनता के ना तो वो साथ है और ना उसका विकास हो रहा है। मैडम 2019 में जो चुनाव होने जा रहा है, वो सभी लोग जब हार जाते कहते हैं मशीनों में गड़बड़ है, तो अब 2019 का जो चुनाव आप कराएंगे तो आप बैलेट पेपर से कराना पसंद करेंगे या मशीन से कराना? नहीं, हमारी पार्टी की ये राय है कि ये जो ईवीएम का सिस्टम है यही बाकी चीज़ों से मुकाबलतन ठीक है, लेकिन इसमें वो जो वीवीपैट है, वो जो उसकी पर्ची निकलती है, वो सारे मशीनों की ऐसी हालत होनी चाहिए कि वो पर्ची निकले और जब गिनती हो तो जो पर्चियों की गिनती होगी उसका अनुपात कहीं ज़्यादा होना चाहिए, इस समय अनुपात बहुत कम है। देखिए वीवीपैट की जो मशीन है उसमें मात्र 7 सेकेंड का देखने के लिए टाइम दिया जाता है, 7 सेकेंड के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो महिला हैं, जो गाँव देहात के, मैं यही कह रही हूँ कि वीवीपैट का सिस्टम और दुरुस्त किया जाना चाहिए ताकि उससे जो वोट डाल रहा है उसको भी पता चले कि उसका वोट वहीं गया है जहां उसने डाला है, और साथ साथ जब गिनती हो तो वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए। धन्यवाद।